निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? देखिए, अगर हम मोक्ष की चर्चा की बात करें, मोक्ष वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ मिलती है? तो हमको ऋग्वेद में नहीं मिलती है, बिल्कुल भी ऋग्वेद में नहीं मिलती है। परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, यहाँ पे भी नहीं मिलती हैं, बल्कि हमको कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति की जो साहित्य लिखन दिखता है वो आरण्यकों में दिखता है, लेकिन इसकी जो अनुपम अभिव्यक्ति हुई है वो कहाँ हुई है? उपनिषदों में हुई, और उपनिषद में ही हमको मोक्ष की जो है चर्चा मिलती है, और वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, तो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों में मोक्ष शब्द जो है प्रयुक्त नहीं हुआ है। मोक्ष शब्द किसी भी वेद में नहीं मिलता है, न ऋग्वेद में मिलता है, न यजुर्वेद में मिलता है, न सामवेद में मिलता है, न अथर्ववेद में मिलता है। मोक्ष शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है? उपनिषद में मिलता है, और उपनिषदों में भी प्रथम बार मोक्ष की जो चर्चा मिलती है वो कहाँ मिलती है, किस उपनिषद में मिलती है? श्वेता शवतर उपनिषद में मिलती है। श्वेता शवतर